Hello friends, welcome to Career Launchers YouTube channel. This is Amit Kumar. I am an IIT Bombay alumnus and I am also heading JEE and NEET at Career Launcher. So JEE ka result ab aa chuka hai. Bahut sare bachchon ne acha kara hai, bahuton ne acha nahi bhi kara hai. Aap mein se hi bahut sare honge jinhone ki acha nahi bhi kara hai. To usme se kuch bachche pooch rahe hain ki kya hame ek saal ka drop lena chahiye ya fir हमें जो कुछ भी मिल रहा है वहीं ज्वाइन कर लेना चाहिए. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इस पे आपका करियर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप ड्रॉप लेते हो या फिर नहीं लेते हो. तो इसके लिए सबसे पहले ये सोचना ज़रूरी है कि आपका ड्रॉप लेने के पीछे रीज़न क्या है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ. यदि उसमें से एक रीज़न आपका है और यदि जेन्युइन रीज़न एक है आपका तो आप ड्रॉप ले सकते हो. तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक रीज़न ये है फैमिली प्रेशर. कई बार बच्चे जेई में अच्छा नहीं करते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि यदि थोड़ा और ये प्रिपेयर करें तो अच्छा कर सकते थे. तो पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर कि एक साल का तुम ड्रॉप ले लो और जेई के लिए प्रिपेयर करो. यदि ये रीज़न आपके ड्रॉप लेने के पीछे एक रीज़न है तो डोंट डू दिस, क्योंकि फैमिली प्रेशर कभी वर्कआउट नहीं करता है. आप खुद को बहुत मोटिवेट नहीं कर पाओगे जेई के लिए प्रिपेयर के लिए, और इसीलिए डोंट ड्रॉप इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉप बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर. नेक्स्ट रीजन इज ईगो. अलॉट मेनी टाइम्स वॉट हैपन्स दैट योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त अच्छा कर पाएंगे जो कि 9th 10th में आपसे पीछे थे. तो इससे ईगो बच्चों का हर्ट होता है. आप में से कई के साथ ऐसा हुआ होगा कि 9th 10th में जो आपके दोस्त थे जो कि आपसे बहुत पीछे थे, सडनली जेई में उन्होंने आपसे अच्छा कर लिया. तो इससे ईगो आपका हर्ट हो सकता है और उस हालत में भी आप ड्रॉप करना चाहोगे टू प्रूव योर सेल्फ, राइट. तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड रीजन बिकॉज दिस वॉन्ट बी एबल टू मोटिवेट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. नेक्स्ट रीजन इज यू वॉन्ट टू प्रूव योर सेल्फ बिकॉज ऑफ सम रीजन यू वेर नॉट एबल टू गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन फॉर योर जेई प्रिपरेशन. कई बार ऐसा होता है बिकॉज यू लॉस्ट योर मोटिवेशन समवेयर, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बोर्ड के कारण, यू वेर नॉट एबल टू गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन टू जेई. बट यू वॉन्ट टू करेक्ट दिस नाउ एंड यू वॉन्ट टू प्रूव योर सेल्फ. यदि ये रीजन है तो this is a valid reason and you may take a year's drop because of that. A lot many students they just want to go to IIT. बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि मुझे तो IIT जाना है, उसके अलावा और कहीं नहीं जाना है. तो ये बच्चे, इस तरह के बच्चे हैं, they need a reality check. उनको ज़रूरी है एक बार ये सोचना कि why this is the reason कि वो सिर्फ IIT जाना चाहते हैं. क्या कारण है कि सिर्फ उनको IIT जाना है. यदि आपको टीयर टू कॉलेजेस में कॉम साइंस मिल जाए या फिर IIT मिल जाए तो क्या बुरा है. तो दीज काइंड ऑफ पीपल नीड अ रियलिटी चेक एंड मोर अंडरस्टैंडिंग कि वो सिर्फ IIT क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है. तो दिस नीड्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग. दिस इज नॉट ऑलवेज अ राइट रीजन बट इन लॉट मेनी केसेस दिस कुड बी राइट रीजन. नेक्स्ट इज दैट दिस वॉज योर प्लान ऑल अलॉन्ग. तो बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि 11th 12th में वो बोर्ड के लिए प्रिपेयर करेंगे, एक साल ड्रॉप लेंगे, फिर जेई के लिए प्रिपेयर करेंगे. यदि आपका हमेशा से ही प्लान था देन देर इज नथिंग टू वरी. यू कैन स्टिक टू योर प्लान एंड टेक ईयर्स ड्रॉप, राइट. सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट थिंग पॉसिबल बिकॉज ऑफ विच यू वॉन्ट टू टेक ईयर्स ड्रॉप इज बिकॉज यू हैव नॉट गॉट ईदर एनी गुड कॉलेज और गुड ब्रांच इन एनी गुड कॉलेज, इवन इन टीयर टू कॉलेजेस. तो यदि आप ओल्ड IITs में आपको कोई भी ब्रांच मिल रहा है देन यू शुड नॉट बी टेकिंग योर स्टॉप. इवन टीयर टू कॉलेजेस में यदि आपको कॉम साइंस, IIT, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस मिल रहे हैं देन ऑल्सो यू शुड नॉट बी वरीड एंड टेकिंग योर स्टॉप. यू शुड ज्वाइन देयर इमीडिएटली. बट बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि दे आर गेटिंग सम रैंडम कॉलेज, सम टीयर 4 टीयर 5 कॉलेजेस एंड दे आर ऑल्सो प्रिटी बैड ब्रांचेस, देन दे शुड बी टेकिंग ईयर्स ड्रॉप. तो स्टूडेंट्स, ऑल इन ऑल वॉट वी कैन से आप ड्रॉप ले सकते हो 3 कारणों से. एक रीज़न तो ये है कि यू वॉन्ट टू प्रूव योर सेल्फ. सेकेंड रीज़न इज दैट यू हैव नॉट गॉट एनी गुड कॉलेज और गुड ब्रांच इवन इन टीयर टू कॉलेज. और थर्ड पॉसिबल रीज़न इज दैट दिस वॉज योर प्लान फॉर ऑल अलॉन्ग. तो ये 3 रीज़न के कारण आप ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है. लेकिन कुछ बच्चों को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए. मैं उनको ही बता देता हूँ कि किस तरह के बच्चे जिनका कि कैरियर प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है जिन्हें कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए. जैसे एक तरह के बच्चे वो हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अपीयर करना चाहते हैं. अज्यूम करो कि यू वॉन्ट टू अपीयर फॉर UPSC और SSC
then in that case you don't need to take a year's drop, because in tarah ke exams mein ek age limit bhi hoti hai jo ki possible hai ki yadi aapne ek saal ka drop liya to aapki age badh jayegi. So my suggestion would be, if you want to prepare for government exams, then you should not be taking year's drop for JEE. Then second possible set, who get affected by others' opinions pretty easily. Exam assume karo ki aap dusron ke opinion se affect ho jate hain, and you just went outside in someone's marriage ya fir kisi function mein kisi ne aapse pooch diya ki beta kya kar rahe ho, so in that case you might get easily offended by others' opinions, right? And jo aapka plan tha wo bhi thoda sa disrupt ho sakta hai. To is tarah ke bachcho ko bhi drop nahi lena chahiye. To yadi maan liya jaye ki aapne decide kar liya ki aapko ab drop lena hai, to sabse important cheez ab ye hai ki aap figure out karo क्या रीज़न थे जिसके कारण आपको इस साल ड्रॉप लेना पड़ रहा है, क्या रीज़न थे जिसके कारण आप जेई में अच्छा नहीं कर पाए. बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया में फंस जाते हैं, फेसबुक इंस्टा यही करते रह जाते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि दोस्तों के साथ बकर काटते रह जाते हैं, फंक्शन में करते रह जाते हैं. कुछ बच्चे होते हैं जो कि बोर्ड पर फोकस करते हैं, जेई पर फोकस नहीं करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं. तो आपका काम यह है कि पहले इन सारे रीज़न्स को लिस्ट डाउन करो कि क्या क्या रीज़न है जिसके कारण कि आप जेई में अच्छा नहीं कर पाए. यदि आपने वो फिगर आउट कर लिया है, तो उसके बाद ये बिल्कुल अब ठान लो कि अब इन रीजंस को नहीं दोहराना है. यदि आप ये कर पाओगे अगले एक साल तक कि इन गलतियों को नहीं दोहराना है, तभी आप जेई में अच्छा कर पाओगे. तो ये इंपॉर्टेंट है कि रीजंस को फिगर आउट करो, उसके बाद डिसाइड करो कि भाई इन रीजंस को नहीं दोहराना है, तभी मैं जेई क्लियर कर पाऊंगा. यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो फिर ड्रॉप करने कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप ये है कि यदि आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो अभी ये ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव एनी स्कूल टू गो, और आई मीन देर इज नो अदर प्लेस वेयर यू वुड बी स्पेंडिंग मच योर टाइम. तो यदि आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, देन यू वुड बी गाइडेड वेल ऑल्सो, एंड यू वुड बी ऑल्सो स्पेंडिंग टाइम इन कोचिंग, राइट? सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू ज्वाइन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट. सो these are few suggestions from my end. If you want to take a year's drop, first is ki who are those people who should be taking a drop. If you are taking a drop, then which steps to take, right? So at the end of the day, main aapko ye kehna chahunga ki yadi aapne drop karne ka faisla liya hai, to don't take a lot of pressure, right? Yadi aap bahut acha nahi bhi kar pate ho to bhi bahut tension ki baat nahi hai. To ye sabse important hai ki chill maro और टेंशन नहीं लेना है इसके लिए कि देर आर अलॉट मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर यू. तो इवन इफ यू टेक ए ईयर्स ड्रॉप, देन देर इज नॉट मच ट्रबल. और यदि आपको किसी टीयर टू कॉलेज में अच्छा ब्रांच भी मिल रहा है, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन. सो दिस वुड बी माई सजेशन फॉर यू कि डोंट टेक अलॉट ऑफ प्रेशर, डोंट टेक अलॉट ऑफ टेंशन, एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम इफ यू हैव नॉट डन वेरी वेल. ठीक है, ऑल द बेस्ट. Career Launcher. Make your parents explode with joy.